बहुत सही सही है, चिकन लग रहा है बहुत ज़्यादा सही सर। लोग थोड़ा मजबूर है, घर में 3 बच्चे हैं, उसको छोड़ के यहाँ पे भर भर दिन काम करना पड़ता है। बच्चे लोग घर पे रहते हैं? हाँ, अकेले, वो भी कोई देखने वाला नहीं। बिलीव नहीं हो रहा है कि सिर्फ 70 रुपए का ये प्लेट है, सिर्फ 70 रुपीज में आपको मिल रहा है ये 2 लेग पीस, और साथ में इतने क्वांटिटी में चावल प्लस बहुत शानदार। अभी हम लोग एक बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में, जरा हल्ला गुल्ला जो है वो देख सकते हैं, और फिलहाल हम लोग खड़े हैं IGIMS के पास, बिल्कुल सामने में देखिए वहाँ पर है IGIMS। IGIMS के सामने से गुजर रहे थे, यहीं पर एक कार्ट लगा हुआ दिखा कन्हैया भोजनालय के नाम से, और यहाँ पर एक लेडी थी जो कि खड़े होकर बहुत मन से बहुत प्यार से कुछ बना रही थी और सभी को खिला रही थी। तो ये देख के मन किया कि इनसे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या कुछ मिलता है। तो जब रुके तो पता चला कि बहुत कम रेट में वेज खाना तो मिलता ही है, साथ ही साथ नॉन वेज भी मिलता है, और अभी जस्ट चिकन बनने वाला है। तो बस ये सुनकर कंट्रोल नहीं हुआ, मन किया कि इस जगह के बारे में आपको बताया जाए, देखा जाए कि क्या बनता है, कैसे बनता है, और इतने कम रेट में कैसे दिया जा रहा है। तो बस यहीं रुक गए हम लोग, और आज आपको बताने वाले हैं IGIMS के सामने बहुत ही किफ़ायती बहुत ही कम रेट में खाने के ऑप्शन को, और सारा जो चिकन बनाने का प्रोसेस है वो भी आपको अब दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कढ़ाई वाला रोटी जो है वो भी मिलता है, तो रोटी भी है और बाकी सादा खाना भी है ना आपके पास? हाँ, सारा खाना है, सादा है, चिकन है, मछली हो गया, अंडा करी हो गया, सारा कुछ है। हाँ, सारा कुछ बेचते हैं। चिकन जो है अभी आपका बनने वाला है? हाँ, चिकन बनने वाला है, बना नहीं। आप ही बनाती है यहाँ पर? हाँ, सब हम ही बनाते हैं। और कितना पुराना है ये कार्ड? 5 महीना हो गया है। अच्छा, अभी बस 5 महीना हुआ है। और सादा खाना, चिकन, मछली सब कुछ यहाँ मिलता है। रेट वगैरह क्या रहता है? रेट चिकन मछली का हो गया 70। 70 में क्या क्या मिलेगा? 2 पीस चिकन मिलेगा। अच्छा, मछली खाना हो तो 2 पीस मछली मिलेगा। अच्छा, 70 में 2 पीस चिकन मिलेगा, रोटी चावल का रेट अलग से? नहीं नहीं, 70 में 2 पीस चिकन और चावल। अच्छा, 70 में 2 पीस चिकन और चावल, और एक पीस लेता है अगर कोई तो? उसका 25 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, ऐसे 25 लगता है, इसे कस्टमर के ऊपर है, 20 देता है, चाहे वो जो देते हैं वो रख लेते हैं। अच्छा, जो देते हैं वो आप रख लेती हैं, ऐसे मतलब चिकन का रेट है पर पीस का 25 रुपए? हाँ। बता रही थी कि मतलब हर सारे होटल से अच्छा यहाँ बनाती हैं आप? हाँ, इसके मेरे मुंह से कहने का जरूरी नहीं, जो जो खाते हैं ना यहाँ पे आप उनसे पता कर सकते हैं। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, वो आपको बता देंगे, इसमें मेरा खाना नहीं है। हाँ। सामने जो दवाई दुकान है ना, वो किसी के यहाँ खाना नहीं खाते हैं, मेरे यहाँ का चिकन मछली। हाँ। दोनों के यहाँ जाते रहता है। अच्छा, ज़्यादा खाना से भी ज़्यादा वो लोग चिकन मछली खाते हैं। अभी कितना चिकन बनने वाला है? अभी 4 kg बनाएंगे। 4 kg, सारा तैयारी जो है वो हो चुका है। तो चिकन जरा एक बार दिखा दीजिएगा। अच्छा, तो चिकन जो है इसमें, अच्छा फ्राई कर लिया, सारा चिकन फ्राई किया हुआ था? हाँ, फ्राई किया हुआ। अच्छा, मतलब 25 रुपए में फ्राई करके चिकन खिला रही है। हाँ। और इसमें क्या हो गया? प्याज? प्याज है, प्याज भापे इससे जल्दी हो जाएगा। प्याज को बॉईल कर लिया थोड़ा सा, और अब चिकन बनेगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस आपको अब दिखाते हैं चिकन को बनाने का, 25 रुपए वाले चिकन का सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले इस तरह से कुकर में प्याज को डाल के सीटी लगाया जाता है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए, और नेक्स्ट इधर कढ़ाई जो है वो सेट हो चुका है, सरसों तेल इसमें डल गया है। ये वही तेल है ना जिसमें चिकन को फ्राई किया? हाँ, वही तेल है, जीरा है। सबसे पहले गया कढ़ाई में जीरा, अब नेक्स्ट जाएगा तेज पत्ता, और अब ये कुकर का जो ढक्कन है वो खुल चुका है, और इस तरह से प्याज को किया गया है बॉयल। इसमें क्या डाली थी? पानी और प्याज सिर्फ। हाँ। और अब गया प्याज ये तेल के अंदर, तो सारे प्याज को डाल लिया गया है कढ़ाई में, और लगभग 4 किलो चिकन जो है वो यहाँ बन रहा है। तो टाइमिंग क्या होता है आप लोगों का, कितने बजे लगाती हैं? हम यहाँ आ जाते हैं सुबह में 7 बजे आ जाते हैं, 10 बजे तक खाना रेडी होता है। IGIMS से यहाँ के तो बहुत लोग आते होंगे? हाँ, बहुत लोग आते हैं, अस्पताल के भी आते हैं, मरीज का खाना भी जाता है, चिकन भी है, जिसको जो खाना रहता है यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। चिकन चिकन जो है वो थोड़ा लेट मिलता है? हाँ, चिकन लेट मिलता है क्योंकि मरीज को जाना रहता है ना खाना, इसीलिए थोड़ा पहले सादा खाना बनाते हैं। और अब डाला जा रहा है प्याज में नमक, अब जा रहा है इसमें देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च है। तो आप और आपके हस्बैंड दोनों को मिलके यहाँ चलाते हैं? हाँ, हम ही दोनों चलाते हैं। पहले वो जॉब करते थे, कोरोना के वजह से उनका जॉब छूट गया, इसलिए हम लोग ये काम। कोरोना की वजह से जॉब छूट गया, किस चीज में थे वो? वो मास्टरी कोचिंग पढ़ाते थे, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, इसलिए
कोरोना की वजह से। अभी मतलब चल रहा है सब कुछ सही? हाँ अभी तो ठीक है, हम लोग थोड़ा मजबूर है, घर में 3 बच्चे हैं, उसको छोड़ के यहाँ पे भर भर दिन काम करना पड़ता है। बच्चे लोग घर पे रहते हैं? हाँ अकेले, वो भी कोई देखने वाला नहीं है। एक है साल भर का, एक है 6 साल की और एक है 4 साल का। तीनों को ऐसा मजबूरी आ गया कि काम करना पड़ा छोड़ के, जॉब जाने की वजह से। हाँ जॉब जाने की वजह से, ऐसे उनका था जॉब तो हमको काम नहीं करना पड़ता था। अच्छा। हम अपना देखते थे बच्चा को। नेक्स्ट जा रहा है हल्दी। हाँ हल्दी है। नेक्स्ट जाएगा धनिया। हाँ धनिया है। और अब नेक्स्ट इसमें डाला जा रहा है थोड़ा सा पानी, और अब मसाले को अच्छे से भूना जाएगा। मसाले को अच्छे से पहले भूना गया है और अब इसमें गया ढेर सारा पानी। तो ये जो चिकन को फ्राई की थी इसमें क्या क्या डाली थी? इसमें डाले बस तेल में, सरसों का तेल लेके उसमें फ्राई किए हैं। इसमें चिकन था और कुछ मसाला नहीं था? नहीं सिर्फ चिकन। फ्राई कर लेते हैं ताकि टूटे नहीं पीस, है ना? हाँ टूटने के चलते फ्राई करते हैं, इसे डालते हैं तो टूट जाता है इसीलिए फ्राई करके डालते हैं। लेग पीस का भी रेट सिर्फ 25 रुपये है? हाँ कोई भी पीस लीजिए 25 रुपये। लेग पीस बहुत छोटा सा लग रहा है आपका, मतलब बहुत छोटे साइज का मुर्गा रहता है। हाँ इसलिए छोटा साइज के कटाते हैं ना, कि कस्टमर खाते हैं तो बोलते हैं कि ज्वाइल है, खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए छोटा है तो खाते भी अच्छा से छोटा है। फिर आज का ज़्यादा छोटा कर दिया है, इतना छोटा नहीं रहता है। तो चिकन को डाल दिया गया है ग्रेवी में और अब फिर इस चिकन को मिक्स किया जाएगा, और मेरे हिसाब से अब 10 मिनट से ज़्यादा लगने वाला नहीं है, 10 मिनट में जो हमारा चिकन है वो हो जाएगा तैयार। तो चिकन अब लगभग तैयार हो चुका है, लास्ट में इसमें डाला जा रहा है धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता डालने का मतलब है ये एक सिग्नल दे रहा है कि चिकन जो है आपका तैयार है। तो चिकन को अब इस कढ़ाई में से निकाल के इस हांडी में शिफ्ट कर लिया गया है। बहुत सही सा जो रंग है वो लग रहा है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत सही सा खुशबू आ रहा है। तो बस थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है लास्ट में ऊपर से डाला गया। चावल हो गया, ये सब्जी वगैरह खत्म हो गया? हाँ सब खत्म हो गया। इसमें क्या हो गया? इसमें सब्जी है, इसमें दाल है। दाल बचा है, सब्जी सारा खत्म। तो अभी फिर से बनाइएगा सब्जी? हाँ सब्जी भी खत्म हो गया। सादा खाना का क्या रेट रहता है? 40 रुपये भर पेट। हाँ भर पेट। और ये है हमारा चिकन जिसे हम लोग खाने वाले हैं, बहुत सही सा ये चिकन लग रहा है, बहुत ज़्यादा सही सा। तो 2 पीस चिकन निकाल दीजिएगा। ये आ गया लेग पीस और एक नहीं 2 लेग पीस मत दिए, दूसरे को फिर नहीं मिल पाएगा, एक दूसरा कोई दे। तो हम लोग बैठ चुके हैं सड़क पर अपना चिकन और चावल का थाली लेके, और बिलीव नहीं हो रहा है कि सिर्फ 70 रुपये का ये प्लेट है, सिर्फ 70 रुपीज में आपको मिल रहा है ये 2 लेग पीस और साथ में इतने क्वांटिटी में चावल प्लस बहुत शानदार सा ग्रेवी, और सारा मेकिंग जो है वो हम लोग देखें बहुत सही तरीके से बनाया गया है। तो कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि आप लोगों को ये रेट कैसा लगा, क्या आप लोग इतने कम रेट में इतने सस्ते में और कहीं देखे हैं खाना, और चावल का क्वालिटी भी अच्छा है, हमको लगता है कि 7 स्टार चावल होगा ये, तो बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं, सही सा चावल का क्वालिटी भी बहुत सही सा, बहुत सही से नहीं कहेंगे, बासमती चावल तो ऑब्वियसली नहीं है, पर ठीक ठाक सा चावल का क्वालिटी है। और 25 रुपये का ये चिकन का पीस है, ये बिलीव नहीं हो रहा हमको ये रेट सुनकर, इतने अच्छे से बनाया गया है, कोई कमी नहीं रखा गया है और रेट है सिर्फ 25 रुपये। तो बैठ के अब जरा टेस्ट किया जाए, तो हम देसी स्टाइल में इस तरह से चावल के ऊपर चिकन डाल के यहाँ सर्व किया जाता है। वैसे तो हम एक ही पीस ले रहे थे, बट एक लेग का एक ही ले रहे थे और दूसरा नॉर्मल पीस ले रहे थे, बट वो बोली कि लेग ले लीजिए बहुत लेग है, तो फिर हम भी पिघल गए, 2 लेग ले लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा हम इंसानियत दिखाएं कि और लोग को भी लेग मिले, बट जब वो फोर्स किए तो हम पिघल गए और लेग ले लिए। अब अच्छे से ये मसाला चावल में सानते हैं, बट उससे पहले जरा लेग को हम टेस्ट करते हैं। तो ये जो लेग पीस है ये चिकन के मतलब ग्रेवी के साथ पका नहीं है, गला नहीं है, अलग से फ्राई किया गया, तो हल्का सा ये फ्राई जो किया जाए उस वजह से क्या होता है कि टाइट हो जाता है, डायरेक्टली अगर डाल देंगे तो लेग पीस टूटने का डर होता है। इसमें कोई खास मसाले का स्वाद नहीं आया, मेन स्वाद ग्रेवी में होगा।